नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कि नई एक्साइटिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो कलर एक बजट ईयरफोन्स की। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है वीवो कलर का पैकेज। अमेजोन से ये मैंने बाई किया है। अगर आपको भी बाई करना है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए वीवो कलर ईयरफोन्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल टोन ट्यूनिंग HD वॉइस, और एक ऊपर जो है फोटो दिया हुआ है ईयरफोन्स का। साइड में आप देख सकते हैं वीवो लिखा हुआ है, राइट साइड में भी आप देख सकते हैं वीवो लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंड टैग है। पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेलोडियस साउंड, HD वॉइस, सिंपल एस्थेटिक, और दिया हुआ है कंफर्टेबल टू वेयर। तो गाइस चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस बॉक्स में से ये और एक बॉक्स निकल करके आया, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यूजर मैनुअल। ईयरफोन्स में यूजर मैनुअल कौन पढ़ता है। और गाइस सब उसके बाद है ईयरफोन्स, जो कि आप देख सकते हैं यार काफी बढ़िया डिजाइन लग रही है मुझे। काफी छोटा ईयरफोन है, काफी बढ़िया डिजाइन है। पीछे की तरफ वीवो लिखा हुआ है। वायर की क्वालिटी अभी फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छी लग रही है। रिमोट की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी लग रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। और गाइस यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज के। तो दोस्तों बॉक्स को यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे इस ईयरफोन में या फिर कोई भी ईयरफोन अगर आप बाय करते हैं तो गाइस इसको आप जो है सबसे पहले जो है देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बट मैं देखूंगा कि इसमें बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले कैसा है। इसको ओपन कर लेते हैं और गाइस देख लेते हैं कि कितना लंबा वायर है। ओके, तो अच्छा खासा लंबा हमें यहाँ पे वायर देखने को मिल रहा है। माइक की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट्स पे किया गया माइक की प्लेसमेंट। तो गाइज़ ये जो प्लेसमेंट है माइक का, ये थोड़ा सा गलत दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग जगह पे देना चाहिए था, या फिर लेफ्ट या राइट के जो ईयरफोन्स है उसमें देना चाहिए था, उसके ईयरबड में देना चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे वीवो लिखा हुआ है इसके माइक्रोफोन के हाउसिंग में। पीछे की तरफ आपको एक बटन दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक माइक दिख रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ये हाउसिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है रबर की फिनिशिंग के साथ एंडिंग किया गया, काफी बढ़िया लग रहा है। वायर की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, मजबूत लग रही है, रबरी फील दे रही है अभी के लिए। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 3.5mm जैक जो है यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये एक नॉर्मल 3.5mm जैक है। 400 रुपए के ये ईयरफोन है। चलिए जल्दी से इसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको सुनकर बताता हूँ कि कैसे मुझे इसकी साउंड क्वालिटी लगी है। इसको मैं जल्दी से वेयर करके आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये कैसे कंफर्टेबल है या नहीं। ओके ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कान पे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया है और काफ़ी बढ़िया फिटिंग दे रहा है, काफ़ी छोटा ईयरबड्स है। तो गाइस जल्दी से मैं स्पॉटिफाई में जाकर जो है गाने प्ले कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने गाना सुना, यहाँ पे NCS के दो तीन गाने सुने यहाँ पे बेस वाले, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैंने एक अरिजीत सिंह का गाना भी सुना है। तो गाइस यहाँ पे जो है पूरा रेंज कवर हो जाता है अकूस्टिक से लेकर के बेस तक। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहूँगा इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, जो कि मैंने अभी अभी सुना है। 15-20 मिनट से मैं इसमें गाने सुन रहा हूँ, NCS के 4-5 गाने सुने, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक दो अरिजीत सिंह के गाने सुने मैंने YouTube पे। तो गाइस यहाँ पे मुझे इसमें फील हुआ है कि जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरिंग है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल गानों की, सिर्फ जिसमें जो वोकल्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी मैं अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा था, तो गाइस उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेस
आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा बेस ओवर पावर कर रहा था यहाँ पे अकोस्टिक्स को, ट्रेबल्स को। तो गाइज़ ये चीज़ जो है आपको काफ़ी पसंद आएगी, हालांकि दोस्तों जो ऑडियो फाइल है उनको पसंद नहीं आएगा। तो गाइज़ उनके लिए जो है ये एक सही हेडफोन नहीं है, जो एक काफ़ी ज़्यादा बेस लेस मतलब काफ़ी ज़्यादा बेस वाले हेडफोन्स नहीं ढूंढ रहे हैं, जिनको एक बैलेंस साउंड वाली ईयरफोन चाहिए उनके लिए ये ईयरफोन नहीं है। बट गाइज़ अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बेस पसंद है, काफ़ी ज़्यादा बूमी बेस पसंद है, काफ़ी अच्छा बेस, अच्छा अगर आपको बेस चाहिए 400 रुपये के अंदर, तो गाइज़ आप जो है वीवो के कलर्स देख सकते हैं। वीवो का कलर जो है वो काफ़ी बढ़िया एक ईयरफोन निकल करके आया है, 400 रुपये में निकाला है इन लोगों ने MI बेसिक्स के कंपैरिजन में। MI बेसिक्स के साथ अगर मैं इसकी बात करूँ तो गाइज़ MI बेसिक्स से इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। हालाँकि दोस्तों उनका जो हाउसिंग आता है वो मेटल का आता है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये वाली जो हाउसिंग है वो प्लास्टिक की है। तो गाइज़ इसमें थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी कम है बर्ड्स में, बट गाइज वायर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसकी इन कंपेयर टू MI बेसिक्स। और मैं वहीं पे बात करूँ यार ओवरऑल साउंड क्वालिटी की, तो गाइज ओवरऑल साउंड क्वालिटी में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप ज़्यादा बेस लवर है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बूमी बेस पसंद है, तो गाइज आपको जो है ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। छोटे छोटे डायलॉग्स आपको काफ़ी क्लियरली सुनाई देंगे, हालांकि दोस्तों छोटे डायलॉग्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो उतना ज़्यादा आपको जो है वो ऑडियो का जो एनहेंसिंग है वो उतना ज़्यादा अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो जो छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम पे जो डायलॉग्स हैं या फिर छोटे छोटे जो आवाज़ आती है वो आपको यहाँ पे सुनाई ऑफकोर्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 400 रुपये की ईयरफोन्स है। आप जैसे जैसे जो है ईयरफोन्स की प्राइस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है आपको ऐसे ऐसे साउंड सुनने को मिलते हैं गाने में जो आपने नहीं सुना होगा कभी भी। तो गाइज़ इसमें वो सारे साउंड्स यहाँ पे सुनाई तो नहीं पड़ते हैं, बट गाइज़ 400 रुपये के हिसाब से मुझे काफ़ी एक अच्छा ईयरफोन लगा है। और गाइज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स आते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वीवो कलर दिया गया है। तो गाइस आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक 400 रुपए के अंडर ईयरफोन्स खरीदने निकले। तो गाइस ये है इसका माइक्रोफोन क्वालिटी टेस्ट, जैसे कि आप सुन सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने इसको वेयर किया हुआ। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मुंह से लेकर के माइक का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो है माइक्रोफोन है थोड़ा काफी ज्यादा दूर हो जाता है मुंह से। तो गाइस अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में है, इंडोर्स में है, तो आप इसको सुनकर जो है जज कर सकते हैं कि कैसा साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है इसके माइक्रोफोन के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि इसका माइक्रोफोन जो है काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है मुंह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर मैं इसको पास में लेकर आता हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हैं यहाँ पे साउंड बढ़ चुका है, और मैं जो है हल्का सा स्लोली बात कर रहा हूँ, हल्का सा वॉल्यूम मैंने लो कर लिया क्योंकि मैंने जो है मुंह के पास माइक्रोफोन लेके आ गया हूँ। तो गाइज ये था माइक्रोफोन क्वालिटी टेस्ट, और साथ ही साथ जो मैं इस ईयरफोन्स को जो है रेकमेंड भी करना चाहूँगा, और मैं इस ईयरफोन्स को ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँगा 3.8 out of 5, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे ईयरफोन्स, और थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था इसके बिल्ड क्वालिटी में, इसके ईयरबड्स के बिल्ड क्वालिटी में। साथ ही साथ इसमें जो 3.5 mm जैक दिया हुआ है वो गोल्ड प्लेटेड नहीं है, इसी कारण से जो है आपका ये 3.5 mm जैक जल्दी से खराब भी हो सकता है। और गाइस जितना ही था इसके इनिशियल इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग वीडियो में, अगर आपको ये ईयरफोन्स खरीदने हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। और गाइज ये ईयरफोन्स जो है काफी बढ़िया लगे मुझे 400 रुपए के अंडर में। तो दोस्तों इतना था इस वीडियो में, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।